हेलो दोस्तों, दिस इज सोल्यूशन और आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कि ऐसा प्रोजेक्ट बहुत ही गजब का प्रोजेक्ट है और आने वाले टाइम पे इनका आईडियो आने वाला है। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी बात इस वीडियो में करेंगे, बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूंगा। और अच्छी लगेगी वीडियो लास्ट तक देख लेना, फिर उसके बाद लाइक या डिसलाइक जो करना है कर देना, कमेंट भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का नाम है मैक मास्टर। अब मैक मास्टर इनका जो सबसे पहले इनके फीचर्स के बारे में और इनके इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूँ। ये बोलते हैं द फर्स्ट मैका गेम ऑन ब्लॉकचेन। अब इसका गेम का पर्पस क्या है आपको थोड़ा सा ट्रेलर दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको इजी भाषा में मैं समझा दूंगा। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो फ्यूचर अर्थ इनहैबिटेंट्स द होमो ड्यूस सेंड अ मैसेज बैक टू द प्रेजेंट एस द वेस सेव आवर वर्ल्ड। In the near future, Earth will be invaded. After years of struggle, humanity, future, can't change. Open the settlements were built on total destruction. तो अब मैं वैसे पूरा दिखाने से अच्छा मैं आप लोगों को इन शॉर्ट में आप लोगों को समझा देता हूँ। इसमें यह है कि एक तरीके से मून पर ये नई मशीन्स, फाइटर मशीन्स भेजेंगे जिनका इनको ये मैक बोलेंगे और वहाँ पे एक नई सिविलाइजेशन को जन्म देंगे। और इसके क्या क्या फीचर्स हैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि बाकी हमने NFT गेम्स देखे, यहाँ पर आप लैंड परचेज कर सकते हैं और अपने ही लैंड को कस्टमाइज़ करके वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो आपको इन शॉर्ट में यहाँ पे नीचे आपको ले जाकर दिखा देता हूँ। और इनके फीचर्स के बारे में अगर बात करूँ तो यहाँ पर पता लग जाएगा आपको, ये 2D एंड 3D आइटम्स हैं, यूनिक फीचर एंड स्टेट्स हैं, डिसेंटर लैंड यानी आपको अपनी जो लैंड है उसको रेंट कर सकते हैं और उसको डेकोरेट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, सोशल नेटवर्क पे जो है उसको शेयर कर सकते हैं और एक्सप्लोइट भी कर सकते हैं। और 3D मैका बिल्ड ओन बाई यूजर्स यानी कि आप लोग ही होंगे जो NFTs आपको मिलेंगी, NFTs आप बाय करेंगे वहाँ पर, वो एक NFT की फॉर्म में लैंड वगैरह ये सब आप परचेज कर सकते हैं। तो वही एक मेटावर्स की जो कहानी होती है सेम थोड़ी सी मिलती जुलती बिल्कुल वही कहानी है। और आपके पास पर्सनल मैकाज होंगे, एडवेंचर्स होंगे और गेमिंग वगैरह भी ये लॉन्च करने वाले आने वाले टाइम पे, और मार्केट प्लेस होगा इनको जहाँ पर आप अपनी NFTs को ट्रेड कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। और कैरेक्टर्स होंगे यहाँ पे लीगन, रेवगर, जाइंट, एलियन, ये बहुत सारे ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो आप लोग परचेज कर सकते हैं। अब हर कैरेक्टर की अपनी एक खूबी होगी, एक विशेषता होगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। बाकी इनका रोड मैप है जो Q3 यानी कि Q3 ऑफ 2021 गेमिंग, गेम डिज़ाइन एंड आर्ट कॉन्सेप्ट, गाचा, NFT सेल्स, ये मैका मार्केट प्लेस भी लेकर आने वाले हैं। और मोस्ट प्रोबेबली IDO जो है अगले महीने ही लॉन्च होने वाला है यानी अक्टूबर में ही लॉन्च हो जाएगा, और अभी उससे रिलेटेड और भी जानकारी मैं आपको दूंगा। और यहाँ पर जो इनकी जो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन लोगों ने इनको बैक कर रखा है, जो इनके पार्टनर्स हैं, ICTR लैब्स, रेड काइट, अभी हमने देखा रेड काइट पे काफ़ी सारे जो है, पहली बात तो ये जो IDO है ये भी रेड काइट पे आने वाला है, रेड काइट हो गया, गेमीफाई ये भी लेटेस्ट अभी लॉन्च हुआ, इनका IDO भी लॉन्च हुआ था, ये गेमीफाई का IDO भी रेड काइट पे लॉन्च हुआ था और एक अच्छा खासा इन्होंने हाइप बना रखी थी। 21 कैपिटल और 1MX कैपिटल यानी बड़े बड़े जो है इनके VCs हैं, और अभी शायद और भी एक दो नाम हम जुड़ते हुए देख सकते हैं इसके अंदर अगर ये जल्दी ही अगर इसकी डेट अनाउंस नहीं होती तो। हम कुछ और भी इनके ट्विटर वगैरह से कुछ खबर आ रही है कि हाँ और भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। टीम बहुत स्ट्रांग है इनकी, करीब 9-10 लोगों की टीम है ये। इसमें आर्ट डिज़ाइनर, हेड ऑफ 3D आर्टी, लीड यूनिटी और बैकहेंड गेम डिज़ाइनर, ब्लॉकचेन इंजीनियर से लेके सब हैं, और अच्छी अच्छी पोजीशन है और अच्छे अच्छे लोग हैं इसमें। और अभी एडवाइज़र जो है थी त्रोंग है, ये मैंने एक दो IDOs और देखे उसके अंदर भी एडवाइज़र हैं। तो ऑल इन ऑल प्रोजेक्ट की हाइप अभी क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है, आप लोग इनके ट्विटर वगैरह पे इनको फॉलो कर लेना। अगर ट्विटर पे मैं आपको जाकर दिखाऊं तो यहाँ पर ऑलरेडी 48.4K जो है इनके फॉलोअर्स हो चुके हैं, तो आप लोग भी फॉलो कर लेना ताकि जो जो अपडेट्स आती रहें इनके पास आपको मिलती रहे। IDO जो होगा वो होगा लॉन्च हमारा रेड काइट पे। और अगर यहाँ पर अभी दिखाऊं, अभी जो है टोकनॉमिक्स की बात यानी कि किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा और क्या क्या जो है अलग, कुछ अलग तो नहीं करने वाले ये लोग टोकन सेल वगैरह की डिटेल अभी दी नहीं है, अभी जो है अनाउंस करने वाले हैं ये आने वाले टाइम पे। तो जैसी ही कुछ इनकी डिटेल आएगी टोकनॉमिक्स को लेके तो मैं आप लोगों के साथ वो अपडेटेड वीडियो भी शेयर करूंगा। अभी आप लोगों को करना है कि आपको इनका एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करना है, इनको फॉलो करके रख लेना, मेरे टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। सबसे पहली अपडेट मैं टेलीग्राम पे ही देता हूँ क्योंकि टेलीग्राम पे जो है मुझे टाइप करके लिख कर देना पड़ती है अपडेट, और वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो सबसे पहले अपडेट वहाँ पहुँच जाती है।
जाती है, उसके बाद क्योंकि इस प्रोजेक्ट को मैं फॉलो कर रहा हूँ और आप लोगों को मैं चाहूँगा कि इससे बेनिफिट हो पाए मेरी कम्युनिटी को कुछ, तो मैं आपको जैसी ही कुछ अपडेट आएगी टोकनॉमिक्स को लेके मैं आपको वो अपडेट करूँगा वीडियो के थ्रू। तो बस यही था इस वीडियो में, प्रोजेक्ट की हाइप काफ़ी बन रही है और मैंने आप लोगों को सारा बता दिया। और अभी थोड़े टाइम पहले एक और प्रोजेक्ट आया था इसी की तरह प्रोजेक्ट, अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर रखा था, मैंने उसकी वीडियो तो नहीं बनाई थी बट टेलीग्राम पे आप लोगों को अपडेट दी थी फ्री, जो उनका एयर ड्रॉप भी चल रहा था और फ्री में एलोकेशन मिल रही थी, उसके फॉर्म भी मैंने शेयर करे थे। स्टार एटलस था उसका नाम और 100x से भी ज़्यादा उस IDO ने करा, तो एक बहुत अच्छी हाइप अभी इस टाइम पे मेटावर्स गेमिंग की बनी हुई है। इस प्रोजेक्ट को डेफिनेटली फॉलो करना है आपको, एयर ड्रॉप ज्वाइन कर लेना और मेरे चैनल पे बने रहना ताकि जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर रहा हूँ, कुछ कुछ जगह पे मेरी बात भी चल रही है, तो हम हो सकता है अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ फ्री में एलोकेशन वगैरह का भी जुगाड़ कर पाए वहाँ से। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कॉमेंट कर बताना कुछ और जानना चाहते हैं। गुड बाय।